अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग में कि दो नंबर्स को हम लोग ऐड कैसे करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। चलिए, ये हमारा प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है जो हमने लिखा है, इसको हम लोग लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये नहीं ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, और इसको हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हैश ये होगा हैश इंक्लूड STDIOH स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इंट मेन, उसके बाद इंट मेन का अपना कर्ली ब्रैकेट होगा ऊपर में, फिर कर्ली ब्रैकेट होगा नीचे में क्लोज। ये हो गया ओपनिंग और ये वाला हो गया क्लोजिंग। उसके बाद हम लोग मेमोरी लेंगे इंट ए सेमी कोलोन, इंट बी सेमी कोलोन, इंट सी सेमी कोलोन। फिर हम लोग ए को वैल्यू देंगे 5, बी को वैल्यू देंगे 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे ए प्लस बी, और इस वैल्यू को हम लोग रख देंगे सी में। ठीक है, और फिर हम लोग लिखेंगे, प्रिंट करेंगे सी को। तो प्रिंट सी कैसे लिखाएगा, यहाँ पे आप देखिए, देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट प्रिंट एफ दिख रहे हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे इस तरह से प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन, फिर इन्वर्टेड कॉमा ओपन। ये स्लैश एंड न्यू लाइन के लिए होता है। और हम लोग लिखेंगे अपना मैसेज एडिशन ऑफ टू नंबर्स। उसके बाद जहाँ पे हमको हमारा आंसर को प्रिंट करना है वहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज डी, डी मतलब डेसिमल, और ये फिर हम क्लोज कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा। और कॉमा देके जहाँ पे आंसर हमारा रखा हुआ, हमारा आंसर कहाँ है, हमारा आंसर सी में है, तो ये हम यहाँ पे सी लिख देंगे। अब ये जो हमने ओपनिंग ब्रैकेट किया था इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग एक बार रन करके देख लें इसको। यह हमारा प्रोग्राम है लिखा हुआ, इसको हम लोग रन करते हैं। मैं इसको शॉर्ट करते हैं छोटा। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम, इसको रन करते हैं। हाँ, इसको रन करने के लिए GCC पहले कंपाइलर का a.c से ना फाइल कर दिए थे। और ये देखिए हमारा नंबर आया 9 यहाँ पर लिखा। हाँ ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।